दोस्तों, इसमें हमारी जो बनती है, इसमें हमारे जो बटन लगेंगे, तो दोस्तों ये है, ये सीधे हाथ आएंगी दोस्तों, ये इस तरीके से हमारी जो सामने लगेगी वो सीधे हाथ आएगी। तो इसमें हम बटन लगाएंगे, तो यहाँ से मैंने 2 इंची मोड़ा तो रखा था एक्स्ट्रा, यहाँ से ऊपर नीचे से, तो इसको यहाँ से मोड़ लेना होगा इस तरीके से, और प्रेस लगा लेनी होगी इस तरीके से, प्रेस लगा लेंगे। बाकी काम दोस्तों मैं सिलाई पर बताऊंगा आपको। और यहाँ पर भी हम एक, ये सीधी साइड आ गई है दोस्तों, तो ये कपड़ा है दोनों तरफ एक ही है कपड़ा, तो ये सीधी साइड है, तो इसमें हम फैशन पट्टी चिपकाएंगे। तो दोस्तों फैशन पट्टी चिपकाएंगे वो हम छोटे बच्चे की है, तो इसमें हम 1 इंची की फैशन पट्टी चिपकाएंगे। तो ये हमारा फैशन पट्टी का रोल है 1 इंची का, तो इसमें हम चिपकाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे की साइड में ये चिपड़ी आती है, इसको उतार देना है, नहीं तो हमारी प्रेस है वो चिपकती है, इससे हमारी प्रेस भी खराब होती है। तो दोस्तों इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ तक इसको काट लेंगे, ठीक। उसके बाद में ये हमारा 2 इंची का निशान है, और ये हमारा यहाँ से लगा हुआ है, तो इसको इसके ऊपर हल्का सा आधा इंच नीचे छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम इसकी मुड़ाई करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मोटा हो जाता है, तो हमें लगभग यहाँ पर जितना हम नीचे मोड़ते हैं उतना छोड़ देंगे नीचे की साइड में, और फिर यहाँ से हम इसको पेस्टिंग कर लेंगे, यानी कि चिपका लेंगे इस तरीके से, इसको चिपका लेंगे दोस्तों। जो हमने ये 2 इंची का निशान लगाया था ना, उसके बराबर में चिपकाना है, और ये किनार है, इस किनार को यहाँ से कट कर देना है इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से कट कर देंगे। और कट करने के बाद में इसको यहाँ से हम मोड़ेंगे इस तरीके से, मोड़ लेंगे। ये हमने मोड़ लिया है, फिर इसको हम और मोड़ेंगे इसको इस तरीके से, ये हमने इसको और मोड़ लिया है, ठीक। और ये हमारा आर्म होल है ना ये दोस्तों, यहाँ पर हमारी जेब लगेगी, तो हम भी यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेंगे, और हल्की सी प्रेस लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। तो अब इसकी जेब मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों जेब कौन सी मोड़ेंगे, हमारे पास पैटर्न बना हुआ होता है, हम उसके अकॉर्डिंग इसमें ये जेब लगा देंगे इसमें, ठीक। ये जेब लगाएंगे, आप चाहें तो इससे छोटी है वो भी आप लगा सकते हैं, तो ये हल्की सी छोटी है, तो यही लगा लेंगे। और दूसरी दोस्तों है हमारे पास, तो ये भी लगा सकते हैं, तो यही ठीक रहेगी, इन तीनों में से तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से यहाँ की दूरी है ना दोस्तों, वो समान रहनी चाहिए, यहाँ से और यहाँ से दूरी बीच सेंटर में लगाते हैं, ठीक। तो हम ये यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं हल्का सा, और इसको तो हम रख देते हैं, और अब जेब का पैटर्न मोड़ लेते हैं। तो जेब के पैटर्न के लिए दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ था साइड में, तो हम इसमें से कटिंग कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ये रख के देख लेंगे, और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और ये सीधी साइड है, तो इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेंगे, 1 इंची मोड़ लेंगे, और फिर यहाँ से 1 इंची और मोड़ लेंगे इस तरीके से, फिर ये रखेंगे दोस्तों। आपको मैं दिखा दूँ कि ये मैं, ये जेब हमारी है वो 3.5 इंची है, और ये 4 इंची है, यानी कि 3.5 ये है और 4.5 इंची ये है, ठीक दोस्तों। ये मैंने इसकी जेब इस तरीके से यहाँ पर मोड़ लेना, इसको फोल्ड कर लेना है, ये हमारी जेब फोल्ड हो गई है दोस्तों। तो ये जेब हमने यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगा देंगे, ठीक दोस्तों। इसको तो हम निकाल लेते हैं, और इसको हम रख देते हैं। अब दोस्तों ये हमारी कॉलर हैं, तो कॉलर की पेस्टिंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से।
और दोस्तों ये नीचे की साइड में आएगा तो हम हल्का सा निशान भी लगा लेते हैं। कई बार क्या होता है कि इस साइड से ये इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देते हैं, वो सही नहीं रहेगा। तो हम जो ये जुड़ी हुई होती है ना दोस्तों, उस साइड से हम यहाँ से इसकी चिपकाएंगे। तो देखना किस तरीके से चिपकाते हैं। यहाँ से हम प्रेस कर लेते हैं और प्रेस करने के बाद में यहाँ इस तरीके से रख लेंगे और इसको चिपका लेंगे। फिर ये रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर हम लगभग सिलाई मार्जिन रख के और यहाँ से इसको चिपका लेंगे। ये हमने चिपका दिया है। और दोस्तों यहाँ पर कोने लगाने के लिए ये हमारी पेस्टिंग बची हुई थी, तो इसको यहाँ से गोलाई देके इस तरीके से कटिंग करेंगे। चिपका लेना है। यहाँ से कटिंग कर लेनी है और इसको यहाँ से कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। इसके दोस्तों पास से कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम 200 मार्जिन रखेंगे और नीचे के साइड से हम यहाँ से इस तरीके से मोड़ देंगे इसको। सीधी साइड में प्रेस लगा लेंगे। अब दोस्तों हमने ये हमारा तीरा है, इसके ऊपर भी हम प्रेस कर लेते हैं। ये बाजू है इसकी, ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है। इसको हम मोड़ेंगे। ये हमने निशान लगाया था 2 इंची का, तो यहाँ से जो कट है यहाँ पर इस तरीके से मोड़ेंगे इसको, यहाँ पर प्रेस लगा देंगे इस तरीके से। फिर इसको यहाँ पर मोड़ लेंगे इस तरीके से, जो हमारा कट है वहाँ तक मोड़ लेंगे इसको, फिर प्रेस कर देंगे इस तरीके से और इसको हम रख देते हैं। और दोस्तों इसको भी हम उल्टी साइड मोड़ेंगे इस तरीके से, 1 इंची मोड़ लेंगे क्योंकि ये कटा है 2 इंची का है। और फिर हम इसको मोड़ लेंगे इस तरीके। तो दोस्तों हमने फैशन पट्टी चिपका ली है, कोला चिपका ली है, आस्तीन की मुड़ाई कर ली है और इसकी जेब बना ली है। तो दोस्तों हाफ बाजू में जो खर्चा होता है यही होता है दोस्तों। और